कांग्रेस की जो अब तक मध्य प्रदेश में बरकरार है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग अब लगभग तय हो गए हैं, लेकिन विभागों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन खबर ये कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है, आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। नए लोगों को बड़े विभाग देकर बीजेपी चौंका सकती है। जनसंपर्क विभाग जहां पर सीएम मोहन यादव अपने पास रख सकते, तो वहीं गृह और वित्त जैसे बेहद अहम विभाग दोनों डिप्टी सीएम को दिए जा सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो इनको नगरीय प्रशासन विभाग मिल सकता है। प्रहलाद पटेल को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा मिल सकता है। तो इसके अलावा राकेश सिंह को स्वास्थ्य या फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इंदर सिंह परमार की बात करें तो इंदर सिंह परमार को शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जो कि वो पहले से संभाल चुके हैं। इसके अलावा करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग की कमान मिल सकती है। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को गृह या फिर वित्त विभाग का जिम्मा मिल सकता है। इसके अलावा जगदीश देवड़ा को भी बेहद अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इनको भी गृह या फिर वित्त में से दोनों में से कोई एक अहम विभाग दिया जा सकता है। तो आज नाम का ऐलान हो जाएगा। दो दिन हो चुके हैं, इस वक्त मोहन यादव दिल्ली में मौजूद हैं। और चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, दो दिन से सीएम मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर है, कल मुलाकात हुई है नड्डा के साथ। सर, क्या अपडेट आपके पास, क्या नामों पर अंतिम मोहर लग गई है कि कौन कौन से विभाग कौन कौन से मंत्रियों को मिलेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में थोड़ा वक्त लगा और देर रात बल्कि मुलाकात हुई है। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पहले अमित शाह से मुलाकात हुई और फिर जेपी नड्डा से। तो जो फाइनल सूची है विभागों के बंटवारों की, वो हो गई है। अब सिर्फ घोषणा भर होना बाकी है। तमाम नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। पहले यहाँ मध्य प्रदेश में भी वीडी शर्मा हितानंद शर्मा के बीच में चर्चा हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि आज सुबह जब वो लौटेंगे तो हो सकता है कि दोपहर तक या आते के साथ ही ये मंत्रियों की, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री को आज हनुमंतिया जाना है, तो और भी कुछ कार्यक्रम है उनके, तो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज मंत्रिमंडल का जो विभाग बंटवारा है वो दिखाई दे सकता है। जैसा हम नामों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा मुख्यमंत्री खुद अपने पास कुछ बड़े विभाग रखे हैं, जनसंपर्क जैसे विभाग यहाँ भी डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रख सकते हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है, पहले भी गृह मंत्री रहे हैं, गृह एवं जेल मंत्री रहे, तो संभावना यही कि शायद वही विभाग उनके पास चल जाए। वित्त की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, लेकिन दो में से एक विभाग राजेंद्र शुक्ल के पास जाएगा जो डिप्टी सीएम, और एक जगदीश देवड़ा के पास रहेगा। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग जो पहले जिम्मेदारी जब पहले मंत्री रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय निभा चुके हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं प्रहलाद पटेल, वो नगरीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। राकेश सिंह की बात करें तो पीडब्ल्यूडी, और उसके अलावा उनको संभावना है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे महकमा दिया जा सकता है। करण वर्मा की बड़ी अलग तरह की छवि रही है, इंदर सिंह परमार की अलग तरह की छवि रही, तो इनको भी ठीक है। मनोज जी, तो देखने वाली बात होगी कि क्योंकि इस पल का इंतजार है, हो सकता है कि आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं आज विभागों का बंटवारा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां पर इंतजार खत्म हुआ और देर शाम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन समेत 6 विभाग